हाय, हेलो, नमस्ते, राम राम। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे, और जहाँ पे आजकल मैं आपको अपने लाइफ के स्ट्रगल्स बता रही हूँ, अपने भाई की स्टोरी बता रही हूँ। हालांकि मेरे को आज वीडियो अपलोड करना था कि मैं आज थाने में गई थी, महिला थाना में, जहाँ पे हमारे खिलाफ उस औरत ने दहेज का आरोप लगाया है। एक आरोप उसने हमारे घर के पुरुषों पर लगाया, हमारे घर के आदमियों पर लगाया है, जो कि हर घटिया औरत का लास्ट कार्ड हो जाता है ना। जब उनको कहीं पे कोई रास्ता नहीं मिलता तो बस वो वही एक कार्ड खेल सकते हैं। इस मामले में मैं आपसे कल बात करूंगी आराम से, डिटेल से, क्योंकि अभी मैं बहुत लेट हो गई हूँ। महिला थाने से आए, फिर हमें आरटीआई वगैरह लगानी थी, दो तीन काम और थे, और सिस्टर के यहाँ पे गई, तो वहां से ही मैं लेट हो गई। तो आज मैं आपको वो प्रूफ्स जो मैं आपको बोल रही थी कि मैं वीडियो में सुनवाऊंगी, जहां इसने अपनी गलती एक्सेप्ट की है। और जब मैंने इसे ये बात कही कि रवि के जाने के बाद तू सूट पहन रही थी, फैशन कर रही थी, या जो भी, मैंने जब इससे ये कहा कि रवि के जाने के बाद तूने ये हरकतें करी, तो इसका जवाब था कि कौन सा वो देखने के लिए आ रहा है, ऐसा कुछ उसने बोला था। जो भी बोला था एग्जैक्ट मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। तो ये वीडियो है, अगर आप लोगों को दिखेगा तो मैं जूम कर दिए, देखिए है 29 अगस्त 2022 की, और ये अभी कॉल लग रहा है माँ के नंबर पे, और ये 1:41 की है, सुबह की, जब मैं सो नहीं पाती थी, हम लोग सो नहीं पाते थे इसकी हरकतें देख के। 1:41 की सुबह की है। मैं आवाज थोड़ी तेज कर रहा हूँ। बात करा रहा, अच्छा ये ना हमसे फोन पे बात करने से भी कतराती है, ताकि इसकी रिकॉर्डिंग। मैं ये कह रही हूँ मनीषा कि अपनी बात जब हुई थी, जब अपना कलेश हुआ था, मैं आपसे सुबह घर आऊंगी तभी बात करूँ। वो तो कोई बात नहीं, एक छोटी सी बात बता रही हूँ। देख, अपनी बात जब अपना कलेश हुआ था, मैंने औकात सब यही कह रहा था, 13 दिन बाद पंचायत करेंगे। तेरे को पता पंचायत क्यों नहीं करी हमने मेरे कहने पे? सॉरी, मैंने ना बीच में छेड़ दिया इसको। वो तो कोई बात नहीं, एक छोटी सी बात बता रही हूँ। देख, अपनी बात जब अपना कलेश हुआ था, मैंने औकात सब यही कह रहा था, 13 दिन बाद पंचायत करेंगे। तेरे को पता पंचायत क्यों नहीं करी हमने? हमने इसको बहुत बार कहा, और इसके घर को कभी हमने बहुत बार कहा कि आप लोग पंचायत कर लो, पंचायत कर लो, क्योंकि जो इसकी हरकतें थी, जो मम्मी के साथ हो रहा था, जो भाई के साथ हो रहा था, उसको देखते हुए तो हम बिल्कुल भी अलाउ नहीं कर सकता था, ना हम चाहते थे कि मम्मी की सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से कि मम्मी और ये साथ में रहें, क्योंकि इसने हमेशा कलेश ही दिया है घर में। कभी भी इसने, मैं आपको वो वीडियो भी सुनाऊंगी, इसने हम पे दहेज का एलिगेशन तो लगा दिया, लेकिन वीडियो आपको वो भी दूंगी एज अ प्रूफ, जिसमें मैंने इससे बोला है, जिसमें मैं इससे बात कर रही हूँ, और मैंने इसको साफ साफ बोला है। जब ये लास्ट जा करके ना 2 लाख पे आ गई थी कि चलो मुझे 2 लाख दे दो, मैं चली जाऊंगी, और उसके बाद इसकी मम्मी ने इसको उंगली लगाई तो ये 2 लाख से भी मुकर गई, तो उसमें मैंने इसको बोला है कि आज के टाइम में कोई 2,000 भी नहीं देता है, तो 2 लाख तो कोई क्यों ही देगा, और हम क्यों देंगी? हम तो मतलब नंदे, जिनके साथ तुमने कभी कोई वास्ता नहीं रखा, पैसे का तो छोड़ दो, मतलब प्यार मोहब्बत का भी वास्ता नहीं रखा 10 सालों में, तो हम तेरे को पैसे क्यों देंगी? तो वो मैं आपको बताऊंगी, जब हमने वास्ता ही नहीं रखा तो फिर दहेज का केस कहाँ से आता हम पे? ये तो मेंटल हैरेसमेंट करने के उसमें है कि हमें कर देगी। हमें कोर्ट कचहरी से चौकी से अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, चक्कर हम लगाएंगे, हम इस लड़ाई को अब लड़ेंगे। कोई समझौता नहीं, कोई पंचायत नहीं, हमने बहुत कोशिश की थी कि शांति से पंचायत करके चली जाए, हमारी मम्मी को और दर्द ना झेलना पड़े, क्योंकि वो ऑलरेडी अपने बेटे के दर्द से निकल नहीं पा रही थी। तो हमने इसको बहुत बार पंचायत के लिए कहा, ये नहीं आई, लास्ट में हमने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, तो ये वही बात हो रही है। मेरे कहने पे अब बताऊ क्यों नहीं, क्यों मेरे कहने पे? पंचायत में अगर तू ये बातें करती ना कि मेरे से गलती हो गई, या मेरे फोन में मेरे दोस्त थे या कोई भी थे, तो वहां पे तू माफी मांग लेती और तेरे को माफ कर देते कि कोई बात नहीं लड़की है, गलती हो जाएगी। मैंने पुलिस केस क्यों किया? क्योंकि कोर्ट तेरे को माफ नहीं करेगी।
आप वीडियो को ध्यान से देखो, मैंने कहीं भी इससे कोई बदतमीजी से, कोई मारपीट से, कोई कलेश से बात नहीं करी, तो फिर टॉर्चर वर्ड आता कहाँ से है? और बिना मारपीट के जब लड़की सब कुछ कबूल कर रही है, बिना लड़ाई के जब बंदी सब कुछ कबूल कर रही है, हम कोई इसको मेंटली हैरेस नहीं कर रहे, कोई टॉर्चर नहीं कर रहे, रिस्पेक्ट से बात कर रहे, और उसके बावजूद भी लड़की कबूल कर रही है, तो हमने इसका क्या ऐसा बुरा कर दिया, क्या हैरेसमेंट कर दी? अब आप पूरा वीडियो सुनो। कोर्ट ये कहेगी कि पति गया हुआ था तो तूने फोनों पे बात क्यों करी? आराम से बात कर रही हूँ नॉर्मली, तेरे को गलत लगे तो मुझे कह भी दियो, मैं बिल्कुल प्यार से बात कर रही हूँ। मैंने कोर्ट का रास्ता इसलिए चुना कि कोर्ट इन चीजों को माफ कभी नहीं करती कि जिसका पति गया हुआ हो वो फोनों पे बात क्यों करेगी। और मैंने जब जेरी से बातें करी ना कि मेरे को डाउट है, मुझे शक है, तो मेरी पहली वर्डिंग पता क्या थी? अगर मैं गलत निकली ना, मुझे बेदखल कर देना, मैं इस घर में दोबारा ना आऊंगी, ना इस घर से 1 रुपया लूंगी। ऐसा मैंने इसलिए कहा था क्योंकि ना जैसा ये अभी हमें पोर्ट्रे कर रही है कि हम सब लोग प्रॉपर्टी के लिए कर रहे हैं, हम प्रॉपर्टी के नाम पे एक मकान ही तो है, हम बेटियां इतनी जाहिल, इतनी बेदर्दनी है भाई कि हम अपनी माँ को घर से बाहर निकाल दें। प्रॉपर्टी के नाम पे सिर्फ एक 50 गज का मकान है मेरी माँ के पास, जिसको तू बेच के बाहर निकालने के लिए बोल रही है कि बेच दो और मुझे पैसे दे दो, हमें कुछ नहीं चाहिए। ये बात भी मैंने इसलिए बोली कि किसी, जब ये बदतमीज, ये बेहुदा औरत ऐसी ऐसी बातें फैला रही, तो किसी को ये ना लगे कि मैं प्रॉपर्टी के लिए कर रही हूं, मैं अपने भाई को इंसाफ दिलाने के लिए कर रही थी, अपनी माँ का दर्द कम करने के लिए कर रही थी। तब मैंने उनको ये अश्योरिटी दी कि अगर मैं गलत साबित हो जाती हूँ ना, तो आप मेरे को प्रॉपर्टी से बेदखल कर देना। और आज जब सब लोग वीडियो देख रहे हैं, तो आप लोगों को यकीन हो गया होगा इसके, एक वीडियो देख के कि औरत कितनी धूर्त और कितनी, छोड़ो। मैं वही तेरे को कह रही ये हूँ, तूने देखो अगर पहली वर्डिंग पता है क्या थी? अगर मैं गलत निकली ना, मुझे बेदखल कर देना, मैं इस घर में दोबारा ना आऊंगी, ना इस घर से 1 रुपया लूंगी। मैं वही तेरे को कह रही हूँ, तूने अगर बता भी दिया ना। इसने कबूल कर लिया है कि मैंने जिया जी को साफ बता दिया था कि हाँ मैं फोनों पे बातें करती हूँ। अब मुझे लग रहा है आवाज शायद क्लियर नहीं, मैं फिर से आपको सुनाती हूँ। पता क्या थी? अगर मैं गलत निकली ना, मुझे बेदखल कर देना, मैं इस घर में दोबारा ना आऊंगी, ना इस घर से 1 रुपया लूंगी। मैं वही तेरे को कह रही हूँ, तूने अगर बता भी दिया ना, तेरे माँ बाप, पंचायत, सब यही कहते हैं कि कोई ना गलती होगी लड़की से, यही कहते ना कि माफ कर दो। मैंने कोर्ट का रास्ता इसीलिए चुना कि कोर्ट माफी नहीं देती। कोर्ट माफी नहीं देती। मैं अब ये खुद कह रही है आपको सब कुछ पता है, क्योंकि मेरे को इसके एक एक काले चिट्ठे की खबर है, काला चिट्ठा जिसको बोलते हैं। कुछ वीडियोस, कुछ ऑडियोस ऐसे हैं जो मैं सिर्फ कोर्ट में पेश करना चाहती हूँ और मैं उनको सोशल मीडिया पे नहीं लाना चाहती, मैं इसको सावधान नहीं करना चाहती। कुछ सबूत ऐसे हैं कि इसको डायरेक्ट कोर्ट में जाके ये देखे और इसको सदमा लगे कि मेरे साथ ये भी हो सकता है, वो वीडियोस मैं यहां अपलोड करूंगी भी नहीं। तो ट्रेलर है, मैं आपको बार बार कह रही हूँ, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। मैं नहीं चाहती कि तूने, जो मेरे भाई की आत्मा भी शांत नहीं हुई, तूने फोनों पे बातें करी हैं, तो उस चीज की माफी मिले। मेरा भाई गया, तू फोनों पे बातें कर रही थी, तो अब मैं कैसे यकीन करूं कि मेरी माँ उस घर में सेफ है? उसको तो सुनता भी नहीं है। मैं तेरे को धमका नहीं रही मनीषा, मैं तेरे को धमका नहीं रही, सुन। नहीं, मैं साथ देने वाली भी कोई नहीं होती। देखो अब साफ बोल रही है कि मेरी गलती है और आपने हर बार मेरा साथ ही दिया है। मैं दोबारा सुनवाती हूँ, आवाज थोड़ी कम है। धमका नहीं रही, सुन। नहीं, मैं साथ देने वाली भी कोई नहीं होती, मैं चाहती भी नहीं कि मैं तेरा साथ दूँ। एक बार मैं बताऊँ, सुन, तू अब ये बात बोल रही थी ना थोड़ी देर पहले फोन पे कि आप तो मेरा अच्छा ही चाहते हो। मैं नहीं चाहती, मैं नहीं चाहती, मैं सच में बता रही हूँ, मैं नहीं चाहती। अब मैं चाहती, जिसने मेरे भाई के साथ इतनी बेदर्दी की है, जो मेरी माँ को दहेज के नाम पे कोर्ट कचहरी के चक्कर कटा रही है, 10 साल के बाद उसको याद आया है।